हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इन्वेस्टर एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि फैशन डिज़ाइनर यानी कि एक टेलर का वर्क होता है। उन लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। जी हाँ, फैशन डिज़ाइनर कोई टेलर नहीं होता है। फैशन डिज़ाइनर अपने आप में एक अलग पहचान होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उससे आप शर्ट सिलवाते हैं, तो वो आपको सिर्फ एक शर्ट सिल कर देगा जो कि दो तीन पैटर्न्स उन्हें आते हैं, वो आपको वही बता देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अगर एक फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो वो आपको ना सिर्फ एक शर्ट सिल कर देगा बल्कि आप जिस तरीके की डिज़ाइन चाहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक फैशन डिज़ाइनर और एक टेलर में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर क्या होता है। वैसे तो एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए हम फिर से जानते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर किसे कहते हैं, ये क्या कोर्स होता है, इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन सी हो सकती है, बेस्ट कोर्सेज कौन से हो सकते हैं, और फैशन डिज़ाइनर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी फैशन डिज़ाइनर बनने का जुनून है तो आपको फैशन डिज़ाइनर बनने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि जान लेना ज़रूरी है। फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ड्राइंग, सिलाई और डिज़ाइन करने का तरीका, फैशन इंडस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। आपको बाजार में फैशन के बारे में पता होना चाहिए। डिज़ाइनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फैशन किसी न किसी थीम पर निर्भर करता है। फैशन कभी भी स्थायी नहीं होता है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा बढ़ाते रहें। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि फैशन डिज़ाइनर कैसे बने। तो दोस्तों, अगर आप भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपके अंदर एक क्रिएटिव स्किल्स होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी रचनात्मक सोच होगी, आप फैशन डिज़ाइनर बनने के काबिल उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी नई डिज़ाइन आती है किसी भी कपड़े से रिलेटेड, तो आप उसे हमेशा एक पेपर पर ज़रूर उतारें, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पर उसे दोबारा सोचने में कोई परेशानी सामने ना आए। अगर आप भी 10th ही कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित समय है अपने फैशन करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, आप उन्हें चुनकर 12th के बाद अपना ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना करियर फैशन डिज़ाइनिंग में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको कोई ना कोई डिग्री ज़रूर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स के आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाने के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज लेना ज़रूरी है। ये कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले 10th और 12th में 50% मार्क्स से पास होना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही आप अगर निफ्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि कैट, गेट, जीडी, पीआई आदि देनी होगी, जिसमें आपसे मैथ्स, बेसिक नॉलेज और इन इंग्लिश ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो कर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि बी डिज़ाइन। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसके लिए हायर क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। बीए फैशन डिज़ाइनिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, बीए ऑनर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड लाइफस्टाइल बिजनेस मैनेजमेंट, ये आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे कोर्सेज 1 ईयर के होते हैं और आप इनकी एलिजिबिलिटी 12th पास होती है डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन डिज़ाइनर कोर्स कैसे करें? तो दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना होगा, और पॉपुलर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। तो जिसमें आता है नंबर 1 पर निफ्ट, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन निड अहमदाबाद, और साथ ही IITC मुंबई, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जयपुर, पर्ल फैशन एकेडमी न्यू दिल्ली, और साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन न्यू दिल्ली। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आप एडमिशन लेकर अपने फैशन डिज़ाइनिंग के सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की पोजीशन में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कौन सी है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनर असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो नॉर्मली इसमें आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये के बीच होती है, और जूनियर डिज़ाइनर में अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में आपको 50,000 से 1,00,000 रुपये के बीच तक पर मंथ सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर इन सब के अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें प्लीज़
प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.studysector.com पर जाकर इसका पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।